बताओ। और शाम तक पहुंचे, श्री शिवाजी ने गुलाहों का धर्म तक पहुंचा। तेरी मेरा इस्तेमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु पालेंगे हमें। इन तमाम लोगों की ओर से आज की मीटिंग रखी गई, जिसके सदर आज के हमारे अभी भाई रिक्शा वाला, जो हमारे जनता बैंक के वाइस चेयरमैन संचालक है, इसी तरीके से हमारे बीच बैठे हुए महाराष्ट्र राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष यूसुफ भाई नेसल वाला, वो भी तीन यूनियन के सर्वमोहतरम भी है। दोस्तों आए हुए सभी रिक्शा चालक मालक, तमाम मोटरसाइकिल एजेंट के सभी लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूं मेरी ओर से, यूसुफ भाई नेसल वाला की ओर से, आसिफ भाई की ओर से। तो जिन लोगों ने इसके अंदर कोशिश की, चाहे हमारे एजाज भाई हो या रफीक वीरो हो या सभी स्टाफ के जिम्मेदारों ने इसके अंदर कोशिश की, इन सबका एक मरतबा फिर मैं और कहीं कहीं हमारे यूनियन के सभी जिम्मेदार मेरे को मिला करते हैं। और जब से ये आरक्यू ऑफिस शुरू हुआ नया, वहां की जो दिक्कतें आप लोगों को आ रही है कि एक एक बारीक बारीक चीज के ऊपर आपको वापिस कर दिया जाता। एक तो मालक की तो बात रही, लेकिन जो चालक होता है उसका बड़ा नुकसान होता है। जैसे अभी ईश्वर भाई ने बताया कि वहां जाने के बाद, अगर जाते समय वहां पहुंचने के बाद अगर एक लाइट अगर उड़ गया तब भी वो लोग वापिस कर देते। अभी वीरू बतला रहे थे कि अगर एक क्षण नहीं रहा, जैसे पीछे कोई वैसे कभी टूट टूट गया, अगर वो क्षण नहीं है या बैठते पीछे पैसेंजर, उससे भी वापिस कर देते हैं। कभी मीटर के कोई फॉल्टों की वजह से वापिस कर देते हैं। या फिर एक बात सुनने मिली कि भाई जब पासिंग का वक्त आता है तो बड़े परमिट होल्डर की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी शहरों में शायद नहीं है। परमिट है पर यह देखा जाता है गाड़ी के कागज पत्र क्लियर है उसको देख करके, या गाड़ी के पूरे पेपर क्लियर होने के बाद भी अगर उसके अंदर दिक्कत अगर पैदा कर रहे हैं तो ठीक है। मैं समझता हूं यूसुफ भाई मेरे से ज्यादा इसके अंदर काम कर चुके हैं रिक्शा वालों के साथ में। और अभी आप लोगों ने बताया कि जब जब भी आप लोगों ने आसिफ भाई को याद किया, आप लोगों किसी भी मसाइल के ताल्लुक से, तो आसिफ भाई ने वहां पे आप लोगों की रहनुमाई की। लेकिन आज ये 18-20 दिन गुजर जाने के बाद आज ये मौका नहीं है कि आज जाकर के वहां पे कोई टेबल मीटिंग लगाया जाए, आरटीओ अधिकारी से बात किया जाए। आप लोगों ने एक बात और बताया कि नया जी आर आया, कि पहले 10वीं 8वीं वालों को परमिट दिया करते थे, उनको लाइसेंस दिया करते थे, क्योंकि पहले नया कानून बना था कुछ 2-4 साल पहले, 5 साल पहले। अभी एक नया जी आ रहा है, देखिए क्योंकि आप लोगों के हाथ में शायद वो जी आर अभी नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा ईश्वर भाई से भी और आप लोग से भी कि आप लोग जी आर हासिल करने की कोशिश करें, ताकि वो जी आर लेने के बाद जब भी हम टेबल मीटिंग उनके साथ करें तो हमारी आपके तरफ से बात रखने के लिए जी आर की होना जरूरी है, ताकि वो दिक्कतें आप लोगों की दूर हो। और जो बारीक बारीक बातों के ऊपर आप लोगों को आज 10 किलोमीटर से वापिस कर दिया जाता, पहले तो खैर ठीक है शहर में था काटन मार्केट में, तो वहां तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, आजू बाजू में आप लोगों के रिक्शा के बहुत सारे पार्ट्स मिलते थे, आप भले ही अगर गए तो फौरी तौर पर लाके लगा सकते थे और आपका काम आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब काफी दिक्कत आ रही और आपके मसाइल ज्यादा खड़े हो रहे। एक बात उसके अंदर यह भी आई कि पूरे शहर के जितने रिक्शा यूनियन अलग अलग
जगह के ऊपर है, उसको बैठने की कोई जगह नहीं, उसको एक जैंड। अभी इस सुबह से मेरी थोड़ी चर्चा हुई बैठे बैठे कि सभी यूनियन की ओर से एक ऑफिस मालेगांव शहर के अंदर कायम किया जाए, उसकी जगह मैं दिक्कत नहीं करता क्योंकि थोड़ी हमारी चर्चा उसके अंदर वो भी एक काम बनाना। पर इसके लिए और मेरा सही जगह आप लोगों के हिसाब से हम लोगों ने जो चर्चा की उसके ऊपर, यानी कोई दिक्कत पूरे शहरवासियों को, तमाम रिक्शा ड्राइवरों को या रिक्शा मालकों को, रिक्शा चालकों को कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी इंशाल्लाह। बहरहाल आप लोगों ने जो अपने मसाइल मेरे सामने यूसुफ भाई के सामने आपके जिम्मेदारों ने जो रखे हैं उसको मैं अच्छी तरह समझा हूं, समझता भी हूं और आगे इंशाल्लाह आपके तमाम ये जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें आप लोगों को हो रही है उसको दूर करने की कोशिश मैं है, यूसुफ भाई है, आपके तमाम यूनियन के जिम्मेदार है, आसिफ भाई है, ऐसा हम लोग मिलकर के दूर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।